देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, अचर पद में यानी संख्या नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ व्यंजक देना है। अब व्यंजक कैसे देना है, अब एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे हम पहले वो देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन समझेंगे क्या करना है। आयत का क्षेत्रफल कुछ करना, ज़्यादा खास काम नहीं करना है, ये चीज़ जो अभी हम करेंगे वो आप पहले सीख चुके हो, तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका होता है किसका, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ आप देख रहे होंगे 25a² माइनस 35a और प्लस 12 इक्वल टू, आपने क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप चाहो तो, अब देखो आयत क्या होता है, लंबाई और देखो ये दोनों किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में आप चाहो पहले आगे चौड़ाई लिखो और फिर चाहे आप बाद में लंबाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 3 × 4 लिखा, ठीक है, चौड़ाई 3 और लंबाई कितनी होगी 4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब अगर मैं इसको 4 × 3 लिखूंगा तो भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो यानी लंबाई चौड़ाई आगे पीछे हम लिख सकते हैं, यहाँ आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो इसमें, इसलिए मैंने आपको ये पहले क्लियर कर दिया कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं सिंपल। अब आपने क्या देखना है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण आप इसी एक्सरसाइज में, इसी या लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा था द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ किस एक्सरसाइज में आपने किए थे द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 में, 2.4 में आपने क्वेश्चन नंबर किया था 4, दिखा देता हूँ मैं आपको, 2.4 में क्वेश्चन नंबर आपने 4 किए थे, ठीक है। यहाँ देखो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, सब द्विघात समीकरण थे। तो आपने जैसे ही, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखा होगा, ठीक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। पर जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख कर आए हैं तो उनको भी मैं यहाँ अच्छे से समझा दूंगा। अब तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या होता है, जो चर पद के साथ संख्या रहती है, ये a b c d x y z आपका क्या होता है, चर पद होता है, तो चर पद के साथ जो भी संख्या रहती है उसका गुणा कराना होता है सबसे लास्ट वाले पद के साथ, अंतिम पद के साथ गुणा कराना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपने घटते हुए क्रम में चर पद होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 की घात 2 है, फिर a है, फिर संख्या आई है। अब a क्यूब होता तो लास्ट में नहीं आता, बीच में नहीं आता, कहाँ था, सामने आता। तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपका क्या हो, अचर पद हो यानी संख्या दी हुई हो। तो 25 की गुणा आपने 12 से करानी है, देख लेते हैं कितना आता है, 25 × 12 कराने पर, यहाँ समझ लेते हैं 25 × पूरा डिटेल से समझेंगे ताकि थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रह जाए आपके मन में। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 80 लगेगा, 2 × 4 = 5, फिर 1 × 5 से करेंगे 5, 1 × 2 से कराओगे 2, तो देखो 0, 5 × 5 = 10, 80 लगाएगा, 2 × 1 = 3। पहला इसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं, पहला कि जो पहला पद और अंतिम पद के हम गुणा करा रहे हैं उनको लिख लो, यानी 25 × 12 आपने कराया तो आया कितना आपका 300, एक चीज़ मिल गई। दूसरा स्टेप आपने चिन्ह देखना है, ठीक है, अब चिन्ह कौन सा देखना है वो देख लेते हैं, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। चिन्ह देखना है कि आपने अंतिम पद से पहले आपके पास ये चिन्ह कौन सा है, प्लस में है या माइनस में, आप देखेंगे प्लस का है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप अब आपने क्या देखना है कि ये जो आपका मध्य पद है, बीच वाला पद है, वहाँ पर आपके पास जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ ढूंढनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, कितनी, दो संख्याएं, कि अगर हम उन दोनों का गुणा कराएं तो आए 300, ठीक है, अभी आपने देखा कि गुणा कराने पर 300 आया। और अगर उन्हीं दोनों संख्याओं, जो आप दो संख्या लेंगे, अगर उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में क्या करें, जोड़ें, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, तो उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका आना चाहिए 35। अब आप ये कैसे ढूंढोगे, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये देख लेना है कि 300 किस किस का गुणा कराने पर, यानी दो संख्याएं अगर हम लें तो अगर उनका आपस में गुणा कराए तो ऐसी कितनी संख्याएं कि गुणा कराने पर 300 आएगा। तो ये आप पूरा डिटेल से चेक कर सकते हैं, बाकी मैं अब आपको यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा। तो वो दो संख्याएं आपकी हैं 20 + 15, चेक कर लेते, देखो 20 + 15 मैंने बोला जोड़ने पर कितना है, 35 आया, देखो जोड़ेंगे आप इसको 35 आ जाएगा, और 20 × 15 से कराओगे देखो 300 आएगा, 15 × 0 = 0, 15 × 2 से कराओगे 15 × 2 = 30, यानी हम आपको ये दो संख्याएं मिल चुकी हैं 20 + 15 कि जोड़ने पर 35 और गुणा करने पर 300। देखो ये दोनों शर्तें क्या कर रही हैं, ये फॉलो कर रही हैं।
तो सिंपली आपने क्या करना है, इस 35 का जगह पे आपने रखना है 20 प्लस 15 रखना है। देखो 20 प्लस 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कितना 35, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25। इधर कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे 35 की जगह हम लिख रहे हैं 20 प्लस 15, ब्रैकेट के बाहर है ए प्लस 12 इक्वल टू, अभी लंबाई चौड़ाई हम इधर इसको साइड में चलने देते हैं। अब इस ए की गुणा आपने करा देनी है अंदर, तो आ जाएगा आपका 25 ए स्क्वायर माइनस का 20 ए, फिर प्लस का 15 ए, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का 12। ठीक हो गया, इक्वल में आपकी लंबाई चौड़ाई चलती रहेगी। अब ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो 25 ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 20 ए, और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 15 ए प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको चार पद मिल चुका है, देखो 1, 2, 3, 4 पद मिल गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। जोड़े क्यों बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। कॉमन क्या होता है, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में क्या हो, एक जैसी हो। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, इधर भी ए दिख रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एक ए निकाल लिया। और कुछ दिख रहा है, तो आप देखोगे 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5 लिख सकते हो, ऐसे ही 20 को आप लिख सकते हो कितना, 5 × 4 लिख सकते। देखो 5 × 5 = 25, 5 × 4। तो अभी जब हमने आपने इसका क्या किया, विस्तार के डिटेल से आपने इसको देखा, तो यहाँ पे 5 × 5 और यहाँ पे 5 × 4, यानी 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो यहाँ से एक क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 25 में से देखो 5 बाहर आ गया, क्या बचा इधर 5, और ए स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, तो अंदर बचा आपके पास ए। फिर माइनस, यहाँ देखो 5 × 20 क्या था, 5 आ गया आपका बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा आपके पास 4, और एक ए आपके पास था वो ए आप बाहर ले चुके, तो अंदर आपके पास अब इधर कुछ नहीं बचा। यानी जब आपने इसमें से कॉमन लिया तो आपके पास हो गया 5 ए बाहर कॉमन, तो अंदर बचा आपके पास 5 ए - 4। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 लिख सकते हो, प्लस 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4। तो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे 3, कितना ईजी हो गया देखो ढूंढना, तो हमने लिखा 3, ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ अंदर आपका कितना आ जाएगा, देखो क्या बचा 5, ए तो हमने कॉमन नहीं लिया तो ए भी अपनी जगह पर रहा, फिर अंदर आ जाएगा आपका कितना, देखो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा आपका 4 इक्वल टू, अब यहाँ देखो 0 नहीं आएगा, लंबाई चौड़ाई निकाल ले तो लंबाई चौड़ाई आएगा। अब कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होंगे कि यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो बच्चों जब भी हम ब्रैकेट में जाते हैं तो माइनस आपका क्या आ जाता है, कॉमन आता है। तो देखो ब्रैकेट को आप वापस खोलोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। जैसे हमने ब्रैकेट के अंदर ले गए संख्या को तो वो क्या बन गई, माइनस बन गई, कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी कि ये 5 ए - 4, 5 ए - 4 तो हमेशा क्या आएगा, ये जो भी यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो मार्कर ने भी काम करना बंद कर दिया, मार्कर कर लेता हूँ मैं चेंज। तो मैं आपसे पूछूं कि इन यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे 5 ए - 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखो बीच में 5 ए - 4 यहाँ पर भी है, तो क्या आ गया एक चीज़ और हमको यहाँ कॉमन मिल गई, क्या 5 ए - 4 ये मिल गया कॉमन, बचा क्या आपके पास 5 ए - 3, यहाँ देखो 5 ए इधर बचा तो हमने लिख लिया 5 ए, इधर बचा आपके पास कितना -3 इक्वल टू में आपका चल रहा था लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आप ये पूरा लिखोगे यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई आगे पीछे कर सकते हैं, तो इनमें से आप चाहो तो 5 ए मान ले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लंबाई बराबर 5 ए - 4 और चौड़ाई बराबर आप लिख सकते हैं 5 ए - 3। आप चाहो तो लंबाई 5 ए - 3 भी लिख सकते हो, 5 ए - 4, ऐसे चौड़ाई आप चाहो तो 5 ए - 4 भी लिखो 5 ए - 3, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही काम करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ, इसी सेकंड नंबर भी सेम टू सेम है, इधर का जो हमने रफ काम किया है इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लीन, ताकि सेकंड क्वेश्चन को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ सकें। तो यहाँ पर भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है, सिंपली पहले की तरह पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, द्विघात समीकरण वहाँ पर भी और यहाँ पर भी था, तो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, देखते हैं क्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ देखो अलग ही डिजाइन बन गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मैं यहाँ आपको पूरी डिटेल से नहीं बताऊँगा, जैसे आपने फर्स्ट नंबर समझा वैसे पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है, अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर दूँगा, क्योंकि जो आपका समय है बहुत कीमती है, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं बहुत जल्द। तो यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यहाँ पर उसको लिख लेते हैं 35 y² + 13 y - 12, कंप्लीट हो गया, और इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ थोड़ा इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, लंबाई इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। अब फिर से वही काम,
35 को गुणा लास्ट यानी 12 से करानी, तो जब आप 35 गुणा 12 से कराओगे तो देखते हैं क्या आता है। 35 गुणा 12 कराने पर देखो 12 पंजे हो जाएगा 60, 60 का 0, 80 लगा 6, 12 चौबीस बढ़ते 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी गुणा करने पर आपका आ गया कितना 420। फिर उसके बाद चिन्ह देखना है, चिन्ह यहाँ पर आपके पास कितना है माइनस, और यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 13। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है कि गुणा कराने पर 420 आए और उसी संख्या को आपस में घटाने पर कितना आ जाए 13। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट आपको बता देता हूँ वो संख्या कौन सी है, 28 माइनस 15। देख लेते हैं, देखो 28 माइनस 15 करोगे कितना बचेगा, देखो 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी घटाने पर आ गया कितना आपका 13 आ गया, है ना। और उसके बाद इन दोनों संख्याओं को गुणा करने में आपस में आना चाहिए कितना 420, तो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 28 गुणा 15 करना है तो 8 पंजे हो जाएगा 40, 80 लगा 4, 5 गुणा 10 और 4 14, गुणा 1 की गुणा 8 से 8, 1 की गुणा 2 से 2, तो यह आ जाएगा देखो 0, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। देखो गुणा कराने पर आपका 420 आ रहा है और घटाने पर आपका 13 आ जा रहा है, ठीक है। यानी घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, तो दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है कौन, 28 माइनस 15। तो जहाँ पर आपका 13 है वहाँ पर हम लिख देंगे कितना 35 वाई स्क्वायर सेम रहा, इस 13 की जगह पर हम लिखेंगे 28 माइनस कितना 15 और ब्रैकेट के बाहर y माइनस 12 इक्वल टू आपका लंबाई चौड़ाई कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लीन, अगर आपको अभी भी यहाँ क्लियर नहीं होता आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। सिंपली अब देखो 28 में से माइनस 15 करोगे तो वापस 13 आ जाएगा, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 13 दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से। अब आगे क्या करना है, वाई की गुणा करा देते हैं हम अंदर, तो यह आ जाएगा 35 वाई स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 28y माइनस का 15y ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस 12 लंबाई चौड़ाई ऐसे ही इक्वल के दूसरी साइड चलता रहेगा। ब्रैकेट को ओपन करते आ जाएगा 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस 12 इक्वल टू लंबाई चौड़ाई। अब फिर से यहाँ देखो चार पद मिल गया आपको, 2 यहाँ पर 2 इधर, तो इन दोनों में आप कॉमन देखना है, तो 35 को आप ले सकते हो कितना 5 गुणा 7। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं यहाँ पूरा डिटेल से बता देता हूँ, 5 गुणा 7 और यहाँ पे आपका क्या है y² तो y² का आप क्या ले सकते हो y गुणा y। फिर आपका ये प्लस लगाता हूँ मैं 28y, 28 को आप लिख सकते हो कितना 7 गुणा 4 या 4 गुणा 7 लिख सकते हो। फिर आपका क्या है 1y है, तो अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो देखो 7 यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, 7 इधर भी दिख रहा है, यानी 1 तो मैंने उठा लिया 7 और y इधर भी है, y इधर भी है, और ये 1 यहाँ से मुझे मिल गया क्या y। अब यहाँ देखो क्या बचा, 5 बचा और ये किए y बचा, तो यहाँ पे अंदर आ गया 5y। फिर प्लस लगाया, यहाँ पे बचा क्या सिर्फ 4, 7 भी कट हो गया, वाई भी कट हो गया क्योंकि बाहर आ चुके कॉमन, तो अंदर बचा आपके पास कितना 4। तो सिंपली अब आप यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ, तो यहाँ पे कॉमन आपका जो निकल के आया वो आ गया 7y, अंदर बचा आपके पास 5y प्लस 4, समझ गए होंगे। ऐसे अब आगे चलते हैं, 15 और 12 है, तो यहाँ पर 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और फिर 1y है, तो हमने यहाँ पर 1y लगा दिया। फिर माइनस है, फिर देखो क्या आ जाएगा 3 गुणा 4, 12 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 4, तो देखो 3 इधर भी दिख रहा है, 3 इधर भी दिख रहा है, यानी 3 कॉमन, अंदर बचा आपके पास 5y माइनस का कितना 4, ठीक है। बट जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अभी यहाँ देखेंगे उसको, यानी कॉमन देखना हमको, कॉमन यहाँ कितना मिला 3 मिला, तो जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे अंदर बचेगा आपके पास 5y प्लस का 4 इक्वल टू लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ प्लस क्यों हुआ, देखो यहाँ माइनस है, जैसे हमने ब्रैकेट लगाया ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, और ये फिर देखो माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो जो कॉमन निकालना था हमको मिल चुका है, आगे देखते हैं। तो अब फिर यहाँ देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, मैंने आपको अभी इससे पहले भी कहा, जब हम आप यहाँ देख रहेंगे देखो 5a-4 आया था, 5a-4 ऐसे यहाँ पे 5y+4 5y+4। अब फिर से यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो 5y+4 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को कॉमन निकालते हैं, 5y+4 कॉमन, क्या बचा यहाँ पे, जब यहाँ से पूरा बाहर आ गया क्या बचा आपके पास 7y, फिर यहाँ से ये पूरा बाहर कॉमन आ गया क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू क्या आएगा लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर हम लास्ट में लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो और मैंने अभी आपको बताया था चौड़ाई आप चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे भी चम कर सकते हो, तो लास्ट में जो फाइनल आपका आंसर निकल के आ गया वो लिख लेते हैं, लंबाई बराबर 5y+4, ठीक है, और ऐसी चौड़ाई आपकी निकल के आ गई कितना 7y-3। अब बच्चे यहाँ ये देखकर कंफ्यूज ना हो कि आपकी आंसर शीट जो होगी वहाँ पर लंबाई आपको 7y-3 दे रखी है और चौड़ाई आपको 5y+4, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप लंबाई गुणा चौड़ाई आगे पीछे लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके मन में, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है।